नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। आपका आपके हमारे वैकेंसी एजुकेशन में स्वागत है। और कैसे हो दोस्तों, आज अपन एक और अच्छी वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। भारत के सभी युवा वर्ग अगर करना चाहते हैं तो आप इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया इसकी शुरू हो चुकी है। अगर आपको इसका विज्ञापन देखना है तो विज्ञापन भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं पूरी जानकारी दूंगा, पूरे प्रूफ के साथ दिखाने की कोशिश करूंगा। आईटीआई और नॉन आईटीआई वाले विद्यार्थियों की यहाँ पे अपडेट दी गई है, जिसमें आवेदन आप लोगों को करना होगा। ये एक पूरा विज्ञापन है और करीबन ये विज्ञापन आज ही जारी किया गया है। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये अपडेट अभी मिली हो। और अपन बात कर रहे हैं OCF यानी ऑर्डिनरी क्लॉथ फैक्ट्री के बारे में। रिक्वायरमेंट है आईटीआई, नॉन आईटीआई, नो एग्जाम, बिल्कुल बिना एग्जाम दिए आप लोग इसमें कर पाएंगे नौकरी। पहली वैकेंसी होगी, दूसरी वैकेंसी होगी भील की, यानी कि भारतीय अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें, भारतीय जिसमें टेक्नीशियन ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थियों की पोस्टें निकली थी कुछ समय, उसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें 15 पोस्टें जारी हुई थी। इसकी भी अंतिम तारीख करीब आ चुकी है, तो आप अभी भी जाके इसमें जल्दी से आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक भी नहीं किया। अभी रिक्वायरमेंट है, ये क्या है क्या नहीं है, इन दोनों चीजों की मैं बात करूं तो दोनों अलग अलग वैकेंसी हैं, दोनों ही अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो अगर आप इसमें करना चाहते हैं, लेकिन एक लाइन दोनों के लिए होगी, भारत के सभी युवा वर्ग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे भले वो महिला हो या फिर पुरुष हो। अगर आप करना आते हैं तो ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, अप्रेंटिस होगी। पहले मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं, एक साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा आप लोगों को। फिर आपको, आप जानते हैं कि फिर अप्रेंटिस सर्टिफिकेट का क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें आप लोगों को जानना है। अगर नहीं जानते तो आप हमारे इंस्टा पे आ सकते हैं या फिर हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर पूरी डिटेल दे रखी है। अगर आप ऑर्डिनरी क्लॉथ फैक्ट्री में भी अगर आप करना चाहते हैं अप्रेंटिस, इसमें मैं दोनों वैकेंसियों की बात करूं तो दोनों ही अप्रेंटिस की है। पहले क्लियर कर देता हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो ये थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। एक में इंजीनियरिंग डिप्लोमा ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी हैं, एक में सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वाले विद्यार्थी हैं। अब आईटीआई वाले विद्यार्थियों की बात करें तो ये आईटीआई वाले विद्यार्थियों की पोस्टें दे रखी है, जिसमें एससी जनरल, एससी एसटी, ओबीसी टोटल वैकेंसियां दे रखी है। जिसमें नॉन आईटीआई यानी कि 10वीं वाले विद्यार्थी वाले, इसमें अपेयरिंग वाले भी, जिनका अभी तक रिजल्ट आना बाकी है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, एग्जाम लग चुकी है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनली अगर आपके पास इनमें से कोई से भी एक ट्रेड है तो आप लोग इसमें 45% पास आउट के साथ हैं तो आप लोग इसमें लगा सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि एग्जाम क्यों नहीं होगी, ये सबसे बड़ी बात होगी। एग्जाम इसलिए नहीं होगी क्योंकि मेरिट लिस्ट के आधार पर आप लोगों को चयनित किया जाएगा। अगर आपके 45% मार्क्स हैं तो मैं तो कहूंगा इससे अधिकतम मार्क्स आपको लाने होंगे जब जाके आप लोग इसमें कर पाएंगे सिलेक्शन, जब भी आपको बिना एग्जाम इसमें लेना होगा। लेकिन एक कंडीशन इसमें ये हो रही कि अगर आप लोग इसमें अप्लाई करते हैं तो ट्रेड के आधार पे ही होगा। अगर आपके जो ट्रेड है उसके आधार पे आप लोग आवेदन करते हैं तो ही आप लोगों को यहां पे लिया जाएगा। अब आवेदन करने के लिए क्या करना है, आप लोगों को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, वहां से सबसे पहले विज्ञापन डाउनलोड करना है। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिएगा, हाउ टू अप्लाई पे मैं देखूं, ये दिखेगा हाउ टू अप्लाई पे दिखेगा, कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, ये जनरल मैनेजर ऑर्डिनरी क्लॉथ फैक्ट्री की वेबसाइट पे उपलब्ध होगा और वहीं से आप लोग इसमें देख के वहीं से आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का, पैसों की बात की जाए तो कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाएगा, बस डाक टिकट आपसे लिया जाएगा जो 22 रुपीज का होगा, यानी कि 22 रुपए से आप एक फॉर्म भर सकते हैं डाक के जरिए, ये भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अब ये फॉर्म कहाँ मिलेगा इसकी मैं जानकारी दूं तो आप लोगों को इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे विजिट करना होगा, पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी अगर ऑफिशियली वेबसाइट आपके पास नहीं होगी तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा रिक्वायरमेंट है, जो भी नई रिक्वायरमेंट है उनका यहाँ पे दिया हुआ है। पहली बात तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट बेस पे वैकेंसी दे रखी है, एक चीज ये क्लियर कर लीजिएगा। दूसरी यहाँ पे दे रखी है आईटीआई वाले विद्यार्थियों की, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे इस वाले कॉलम पे, तीसरे वाले कॉलम पे क्लिक किया, एक विज्ञापन जारी हुआ। विज्ञापन जारी होने के बाद ये पूरा एक फॉर्म जारी होगा जिसमें सैलरी आपको 6,000 से 7,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। तो यानी कि सारी चीजें आप लोगों को यहां पे मिलने वाली है। तो उम्मीद करेंगे कि ये सारी चीजें आप लोग समझ चुके होंगे। तो दोस्तों ये फॉर्म है, ऑफलाइन आवेदन करना होगा, ऑफलाइन ही जमा करना होगा। अगर आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक लेना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। भील की बात करें तो भील में भी सेम यही प्रोसेसर है, ये बस फर्क इतना है कि ऑनलाइन आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन ही आप लोग इसमें जमा करवा सकते हैं। इसमें एग्जाम होगा, बाकायदा टेक्निकल ग्रेजुएशन बीएससी बीटेक वाले विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका विवरण है, उम्मीद करेंगे कि वीडियो काफी हद तक आप लोगों को पसंद आया होगा। डाउट होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।